यूक्रेन से लौटे छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी। मेडिकल छात्रों को लेकर एनएमसी का बड़ा फैसला। अब ना भविष्य होगा खराब, ना प्रभावित होगी पढ़ाई। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का प्रभाव पूरी दुनिया में देखने को मिला। सबसे ज्यादा परेशानी दूसरे देशों से यूक्रेन में पढ़ाई करने गए छात्रों को हुई, जिनमें भारतीय छात्र भी शामिल थे। छात्रों को युद्ध के कारण अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ स्वदेश लौटना पड़ा। ऐसे में यूक्रेन से भारत वापस लौटे छात्रों के सामने ये समस्या थी कि अब उनकी पढ़ाई आगे कैसी होगी। इस बीच यूक्रेन से भारत लौटे मेडिकल छात्रों के लिए खुशखबरी है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने छात्रों को बड़ी राहत दी है। यूक्रेन से लौटे छात्र अब दुनिया की किसी भी यूनिवर्सिटी से अपनी मेडिकल की पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग यानी एनएमसी ने विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यूक्रेन की ओर से पेश किए गए एकेडमिक मोबिलिटी प्रोग्राम को मान्यता देने के लिए सहमति दे दी है। छात्र दुनिया की किसी भी यूनिवर्सिटी से तो अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं, लेकिन उनको यूक्रेन की मूल यूनिवर्सिटी से ही डिग्री प्रदान की जाएगी। अगर हम एनएमसी एक्ट की बात करें तो इसके तहत विदेशी मेडिकल कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों को अपनी शिक्षा पूरी करने और सिंगल यूनिवर्सिटी से डिग्री प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। एनएमसी द्वारा मंगलवार को जारी सार्वजनिक नोटिस में कहा गया है कि यूक्रेन द्वारा पेश किए गए मोबिलिटी प्रोग्राम पर विदेश मंत्रालय के परामर्श से आयोग में विचार किया गया है, जिसमें यह सूचित किया गया था कि अकादमिक गतिशीलता कार्यक्रम वैश्विक स्तर पर विभिन्न देशों में अन्य विश्वविद्यालयों के लिए एक अस्थायी स्थानांतरण है। एनएमसी से आधिकारिक नोटिस में ये भी साफ तौर पर मेंशन किया गया है कि युद्धग्रस्त यूक्रेन से लौटे मेडिकल स्टूडेंट्स दुनिया के किसी भी कॉलेज में पढ़ाई करें, लेकिन डिग्री मूल यूक्रेनी विश्वविद्यालय द्वारा ही प्रदान की जाएगी। सार्वजनिक नोटिस में कहा गया है कि आयोग यूक्रेन में पढ़ रहे भारतीय मेडिकल छात्रों के संबंध में अकादमिक गतिशीलता कार्यक्रम के लिए नो ऑब्जेक्शन देता है, बशर्ते कि स्क्रीनिंग टेस्ट रेगुलेशन 2002 के अन्य मानदंड पूरे होने चाहिए। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के कारण हजारों छात्रों को अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ यूक्रेन से भारत वापस लौटना पड़ा था। कई रातें बंकरों और एयरपोर्ट में गुजारने के बाद छात्र भारत तो वापस लौट आए थे, लेकिन अब उन्हें अपने भविष्य की चिंता सताने लगी थी। अपनी पढ़ाई को लेकर ऐसे छात्र अपनी प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से कई बार गुहार लगा चुके थे। ऐसे में इन छात्रों की समस्या को समझते हुए एनएमसी ने बड़ा फैसला लिया और छात्रों को राहत प्रदान की। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ताजा अपडेट्स के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।